हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्योत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निश्चिकी। आई हैव फॉर माय रिस्पेक्टफुल ऑब्लिगेशंस अनटू हिज होलीनेस भक्ति आश्रवेश्वर महाराज की जय। आई हैव फॉर माय रिस्पेक्टफुल ऑब्लिगेशंस अनटू हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिधाम स्वामी श्री वाद की जय। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में। सप्तम स्कंद में बहुत सुंदर लीला आती है भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद भगवान के भक्त की कथा आती है प्रहलाद महाराज की, कि कैसे प्रहलाद महाराज ने भगवान की भक्ति की और फिर कैसे भगवान ने उनकी रक्षा की, हिरण्यकशिपु का कैसे अत्याचार हुआ। तो इस सप्तम स्कंद में इसके इस प्रकार तो प्रथम सप्तम स्कंद के प्रथम अध्याय में पहले अध्याय का नाम क्या है, समदर्शी भगवान। राजा परीक्षित है, वो पूछ रहे हैं कि श्री राजो उवाचा समा प्रिया सुहृदं ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं समाप्रिया। राजा परीक्षित ने कहा समा, समा अर्थात समान, समाप्रिया सुहृदं ब्रह्मन्। जब भगवान सबको समान रूप से देखते हैं, समाप्रिया सुहृदं ब्रह्मन्, इसमें कितना सुंदर बताया सुहृदं ब्रह्मन्। जब भगवान सबको मित्र मानते हैं, ब्रह्मन् सुहृदं मतलब मित्र, भगवान मतलब हे ब्राह्मण। सुखदेव गोस्वामी से बोल रहे हैं परीक्षित महाराज कि हे ब्रह्मन्, भगवान जब सबको समान रूप से देखते हैं तब भूतानाम भगवान स्वयं, मतलब भगवान तो भूतानाम अर्थात जीव, हम जो है भगवान, हम क्या है भगवान के, ममय वांश जीव लोके जीव भूता सनातना मना सच्चानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कष्टि, हम तो भगवान के अंश है। तो फिर राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि जब भगवान सबको समान रूप से देखते हैं तो फिर यहाँ जो इंद्रियस्यार थे, तो यहाँ भगवान इंद्र के लाभ के लिए इंद्र के शत्रुओं को मार क्यों रहे और इंद्र का पक्ष क्यों ले रहे। यहाँ आया है नवदीता, अवदीता, अवदीत मतलब मार दिया, नवदीत विषम हो गया था, वे जो राक्षस गण है उनको क्यों मार रहे हैं, ऐसा पक्षपात क्यों कर रहे हैं भगवान। तो इस अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि भगवान कोई पक्षपात नहीं लेते हैं, क्योंकि जब पूतना आई थी तब क्या वो कालकूट जहर लगा के आई थी और कहाँ आई थी, सा खेचरिया एकदा उत्पत्त्या पूतनानंद गोकुलम एषु त्वया आत्मनात्मानं प्राविशत गीत कीर्ति ही। सा खेचरिया, सा वहे खेचरिया उतना, सा खेचरिया एकदा उत्पत्त्या आकाश में एक बार उड़ते हुए, सा खेचरिया एकदा उत्पत्त्या पूतना नंद गोकुलम, पूतना नंद महाराज के गोकुल में पता नहीं, पूतना नंद गोकुलम ये शुद्ध आत्मनात्मानम् प्राविशत गीत। उसने अपना
इतना सुंदर शरीर बना लिया था कि उसको कोई रोक नहीं रहा था। प्राविशत कीर्ति कीर्ति, वो अपनी इच्छा से ही, उसे किसी ने रोका नहीं, इसलिए वो अपनी इच्छा से ही भगवान के पास चला। तो भगवान ने भी उसको क्या, उद्धव जी बोलते हैं तृतीय स्कंद में, अहो वकीयं स्तन काल कूटं जिघान सयायाप्यदाप्य साध्वी लेवे गतिं दात चिंतां तनोन्यं कंबा दयालुं शरणं ब्रजेमं। अहो वकीयं स्तन काल कूटं, अहो बकीयम स्थान काल कूटम, बकीयम अर्थात बकासुर की बहन पूतना, अहो बकीयम स्तन काल कूटम, स्तनों में कालकूट जहर लगा के आई थी, स्तन काल कूटम जिगान सयाया पे अदब पे साधी, और लेबे खतिम दार्त चिंतां तनोन्यम, भगवान ने भी उसको क्या, माँ की गति प्रदान की, लेबे गतिम दार्थ चिंतां तनोन्यम कंबा दयालु चरणम, ऐसे में दयालु को, ऐसे में भगवान को कैसे छोड़ के जाऊं। इन्होंने एक राक्षसी को भी, एक पूतरा राक्षसी को भी माँ का स्थान दे दिया। भगवान किसी का पक्षपात नहीं लेते, ये तो असुर थी फिर भी उसको माता का स्थान दिया। भगवान बोलते हैं कि मेरे परिवार में जो बुआ का लड़का था शिशुपाल, तो शिशुपाल क्या, शिशुपाल भगवान को बहुत गालियां देता था। बटन आया है भागवतम में कि जब शिशुपाल मतलब बोल भी नहीं पाता था, तब वो भगवान की गालियां देना स्टार्ट कर, प्रारंभ कर दी थी, स्टार्ट कर दी थी। बेचारा दो ढाई महीने का बच्चा, वो ना बोल पाता है, ना मम्मी बोल पाए, ना पापा, वो बैठ भी नहीं पाता। और जो शिशुपाल है वो क्या, छोटा बहुत है पर बहुत खोटा है। शिशुपाल भगवान को गालियां दे रहा है इतने बचपन में भी, उसको बचपन से यही आदत थी। तो जो शिशुपाल था, तो जैसे ही जब राज सूर्य यज्ञ हुआ था, तब जब राज सूर्य यज्ञ हुआ था युधिष्ठिर महाराज का, तो उसमें जब शिशुपाल गालियां दे रहा था, जब उसकी 100 गालियां पूरी हो गई थी, तो भगवान ने उसका चक्र से गला काट दिया। तो भगवान के परिवार में था और उनके बुआ का लड़का था, फिर भी भगवान ने क्या, उसको मार दिया। भगवान थोड़ी पक्षपात लेते हैं, भगवान तो बस ये चाहते हैं कि कैसे मेरे भक्तों की रक्षा की जाए, और इस क्योंकि ये क्यों की जाए, क्योंकि भगवान बोलते हैं अहम भक्त पर आधीन, मैं भक्त के आधीन हूँ। हिरण्यकशिप का तो इतना सारा चला आ रहा था, राक्षसी राक्षस राक्षसी पर प्रहलाद महाराज कैसे उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, उनमें कितनी श्रद्धा थी, और उनमें कैसा भाव था, जैसे कोई इसमें तो हिरण्यकशिपु कितना अत्याचार करता था, अगर कोई पुत्र मतलब जो पुत्र का पिता होता है, यदि पिता कुछ बच्चे को डांटता है तो बच्चा निराश हो जाता है, पिता से बात नहीं करता, वैसे ही यहाँ पर प्रहलाद महाराज ऐसा नहीं कर रहे। जब नरसिंह देव उत्पन्न हुए, नरसिंह देव ने जब उनकी आतरी पेट में से आतरी निकाल के अपने गले में डाली, उन्होंने क्या बोला, I offer my humble obeisances to Narsimha Deva. क्या बोल रहे कि मैं humble obeisances, मैं आपको बहुत नम्रता से बोल रहे हैं,
क्या बोलते हैं कि ओ नरसिंह देवा, डोंट एंग्री एट माय फादर, प्लीज गिव माय फादर। आप मेरे जो पिताजी हैं उन पे गुस्सा मत करिए, आप मेरे को मेरे पिताजी लौटा दीजिए। इतना अत्याचार करता था नरसिंह देव, सॉरी हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु को। फिर भी प्रहलाद महाराज ने क्या कहा कि आप मेरे पिता हिरण्यकशिपु को वापस दे। तो देखो ये श्रद्धा है भक्त की। भगवान बोल रहे हाँ बिल जरूर, ये नहीं कि भगवान पक्षपात नहीं लेते हैं, पर भगवान पक्षपात तो लेते हैं, पर किसका लेते हैं? भक्तों का लेते हैं, क्योंकि भगवान का भक्तों का लेना पड़ता है, क्योंकि भगवान तो अहा भक्त पराधीना है। उन्होंने भगवान बोलते हैं कई जगह बढ़ रहा है, कई जगह बढ़ना ना आया है। क्या वर्णन आया है? हो चुका है वर्णन आया है कि मतलब भगवान या मतलब देवताओं को मार रहे हैं और मतलब अपने भक्तों की साइड जा रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं कि यदि कोई मेरे को कितना भी कुछ कर ले, पर यदि मेरे भक्त को यदि कुछ नुकसान पहुंचाता है तो मैं उसके लिए लड़ने के लिए निकली, जैसे हिरण्यकशिपु था। प्रहलाद महाराज को क्या गरम खंबे से लिपटवाया, पहाड़ से गिरवाया और सांप से डसवाया, हथियारों से मारा, कितने काम किए, और जब अंत में उन्होंने बोला तुम्हारे कहाँ है भगवान, तब भगवान ने अपने भक्त के लिए विवश होकर। तो भगवान पक्षपात नहीं लेते हैं, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करना चाहते हैं। और इसमें आया है एक श्लोक आया है, ये है 31वां श्लोक 7:1-31 कि किसने किस प्रकार से भगवान को मतलब ये 7:1-31 सातवां स्कंद पहला अध्याय 31वां श्लोक, इसमें बताया है गोप्याद कामाद भयाद कंसो द्वेषाच्यादयो नृपा संबंधया वृषणया स्नेहः धूतं भक्ताय भयं विभो गोप्या कामात भयात कंसो। जो गोपी है उन्होंने काम वासना से भगवान को मतलब रामायण में बताते ना जाकी रही भावना जैसी प्रभु मोहरत देखी तन तैसी। तो गोपियों ने काम वासना से भगवान को देखा, प्रसन्न किया, प्राप्त कर लिया और भयात कंसो, भय से कंस ने भगवान को प्राप्त कर लिया। भयात कंसो द्वेषाचा आदे उनपा, राजाओं ने बड़े बड़े शिशुपाल राजाओं ने द्वेष के द्वारा भगवान से द्वेष के द्वारा भगवान को प्राप्त किया। और संबंध या प्रश्नया संबंध से सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि संबंध या प्रश्नया संबंध से ये यदुवंशी है, इन्होंने किया। और स्नेह धूतम और स्नेह से तुम सब लोगों ने अर्थात पांडवों ने परीक्षा
परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि तुम्हारे जो पांडव हैं उन्होंने स्नेह से और भक्त्या भयं विभो और भक्ति से हम सब भक्तों ने तुम बता रहे हैं इसमें कितना सुंदर बता रहे हैं। और इसमें हिरण्यकशिपु आगे दूसरे अध्याय में आते हैं, दूसरे अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन आता है, दूसरे अध्याय में वर्णन आता है सात दो बारह में बहुत हिरण्यकशिपु मंद बुद्धि हिरण्यकशिपु क्या बोल रहा है, उसको बहुत दुख हो रहा है हिरण्यकशिपु कि इसने क्या मेरे भाई को मारा, हिरण्याक्ष को मारा। तो हिरण्याक्ष को मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा तो ये मंद बुद्धि हिरण्यकशिपु क्या बोल रहा है, तस्मिन कूटे अहिते नष्टे कृतमूले वनस्पतौ भिटपायिव शुष्यन्ति विष्णु प्राणादि बहुकसा विष्णु प्राणादि बहुकसा। इसमें बोलते हैं तस्मिन वह अत्यंति पाया भी हिरण्यकशिपु वो बोल रहा है तस्मिन कूटे अहिते नष्टे नष्ट कर दो, क्या नष्ट कर दो, कृत मूले वनस्पतौ कृत अर्थात काट दो, मूले अर्थात मूल से किसको काट दो, वनस्पतौ वनस्पतौ अर्थात वृक्ष, वृक्षों को मूल से काट दो वनस्पतौ। जब काट देंगे हम पेड़ को तस्मिन कूटे अहिते नष्टे कृत मूले वनस्पतौ पिटपायिव शुष्यन्ति, पिटपा अर्थात जो शाखाएं डालियां और पत्तियां होती है इव शुष्यन्ति, शुष्यन्ति अर्थात सूख जाएंगी, तो जो उसकी डालियां और पत्तियां है वो अपने आप ही सूख जाएंगी। उसी प्रकार हिरण्यकशिपु बोल रहा है कि विष्णु प्राण आदि भाव को साथ ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, जब मैं विष्णु को ही खत्म कर दूंगा तो फिर ये देवता लोग कहां बचेंगे। जैसे वृक्ष का मूल होता है, वृक्ष का मूल होता है तो मूल क्या है, भगवान है, और ये जो शाखा है क्या है, देवता गण है। हम पत्तियों में और शाखाओं में कितना भी पानी देते रहे पर पेड़ कभी नहीं बढ़ेगा, जब तक हम उसके मूल में पानी नहीं देंगे तब तक वो पेड़ बढ़ेगा नहीं, और जैसे ही हम उसके मूल में पानी देते हैं तो वो क्या हरा भरा हो जाता है। ऐसे यहाँ आया है 34 स्कंद के 31वें अध्याय के 14वें श्लोक में यथा तरो मूल निषेचने नाम तृप्त तितस्कंद भजो पशाका यथा। जिस प्रकार तरो मूल निषेचनेरा, तरो अर्थात जो उसका मूल है, निषेचनेरा जैसे हम वृक्ष के मूल में पानी दे जल दे, यथा तरो मूल निषेचनेरा तृप्त तस्कंद भजोपशाखा, तो उसकी हर शाखा हर पत्तियों तक पानी पहुंच जाता है। प्राणोपहारा चतेन्द्रियाणाम, उसी प्रकार यदि हम अपने उदर में भोजन डाले हमारी सारी इंद्रियां तुष्ट हो जाती है। प्राणोपहारा चतेन्द्रियाणाम
यथा तरो मूल ऋषि चलेरा तत्त तितस्कत भजो पचाका प्राणो पारा चते द्रियाणा तते विसर्वाहण मुच्यते। उसी प्रकार यदि आप भगवान श्री कृष्ण ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, अनादि काल से जो भगवान श्री कृष्ण है ईश्वरा परमा कृष्ण ईश्वरी परम कृष्ण है जो अनादि काल से सर्व कारण कारणम सभी कारणों के कारण है जो सच्चित आनंद में रहते हैं। यदि हम ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर देंगे तो सारे देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसमें जो हिरण्यकशिपु है वो बोल रहा है विष्णु प्राणा दिवौ कथा, यदि मैं विष्णु को ही मार दूंगा तो ये देवता क्या बचेंगे। तो इस प्रकार एक और श्लोक आता है, इसमें हिरण्यकशिपु क्या बोल रहा है, यत्र यत्र द्विजागावो वेदावरण आश्रम क्रिया तम तम जनपदम जातम संदीपयत वृश्चता। यत्र यत्र द्विजागावो, यत्र 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 अर्थात जहां जहां, यत्र यत्र द्विजागावो, द्विजा अर्थात ब्राह्मण, गावो अर्थात गाय, जहां ब्राह्मण और गायें हो वेदा वर्णाश्रम क्रिया, और जहां वर्णाश्रम क्रिया चल रही हो वेदों का पठन चल रहा हो। पहले तो बहुत संस्कृत चलती थी, अब ज्यादा कोई लोग है वो संस्कृत जानते नहीं, क्यों, क्योंकि आता है मैंने प्रोजी की कथा में सुना था, पठम पठम पठानी संस्कृत कभी ना आनी तो भूल जानी मास्टर से डंडे खानी। तो उसमें बताया कि आजकल के जो लोग हैं उनको संस्कृत नहीं आती, अगर वो पढ़े कितना भी पढ़ ले पठम पठम पठानी उनको संस्कृत कभी ना आनी। अभी तो सुनाता है संस्कृत उनको कभी नहीं आती। अभी अमुक लीला प्रू ने मेरे को बताया था तो मैं उन्हीं की वाणी को दोहरा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला था कि पटम पटम पठानी उनको बता लो कितना भी पटम पटम पठानी उनको संस्कृत कभी ना आनी, उनको संस्कृत आती नहीं, आनी तो भूल जानी मास्टर 100 बार पढ़ा ले पठम पठम पठानी पर क्या आनी तो भूल जानी, आ जाती है तो भूल जाते आनी तो भूल जानी और मास्टर से डंडे खानी, फिर जब नहीं बता पाते तब मास्टर उनमें डंडे मारता है। इसलिए आजकल के लोग सोचते हैं क्या करे, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसो, जल्दी जल्दी क्यों कर रहा है, अभी पड़े हैं बरसों, आज का काम है तो कल कर लें और कल का काम है तो परसों कर लेते हैं, परसों का काम है तो नरसों कर लेंगे, अभी पड़े हैं बरसों, क्या जल्दी जल्दी काम करने की पड़ा है, अभी तो बरसों पड़े हैं, पूरी जिंदगी पड़ी आजकल के लोग। और आजकल के कुछ लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं कि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, बोलते हैं कि पढ़ाई मत करो तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, पढ़ाई करोगे तो बहुत सारे कंफ्यूजन आएंगे। तो सबसे सरल तरीका नो स्टडी नो कंफ्यूजन। कुछ लोग होते हैं और कुछ लोग कर भी रहे हैं अभी,
चिपकू क्या बोल रहा है? पूरे ग्राम ब्रजो उद्यान क्षेत्र रामाश्रम करान खेट खरवट घोषाश्चा तदा उपत्तनानी चा। इसमें बताते पुर, पुर अर्थात नगर, ग्राम गांव, पुर ग्राम ब्रजो ब्रज, पुर ग्राम ब्रजो उद्यान, जो बड़े बड़े उद्यान है, बड़े बड़े बगीचे हैं, जाओ नगरों में, कस्बे में, गांव में, ब्रज में, चौराहे में जाओ और क्षेत्र रामाश्रम करा, और जो संत जनों की छोटी छोटी कुटिया है वहां जाओ, और क्या खेट खरवेट घोषा अच्छा, और ये जो ये पहाड़ी गांव, बहुत सारे गांव होते हैं, खेट खरवट दूर दूर है, वहां भी जाओ, खेट खरवट घोषा अच्छा दादा वो पत्ता डाली चा, और जाओ ददू अर्थात जला दो पत्तनानी चार तात राजधानियों, जाओ और जला दो राजधानी, संतों की कुटिया जला दो, बड़े बड़े बगीचे उद्यान पुर गांव नगर सब जला दो। हिरण्यकशिपु ये उपदेश देकर फिर तृतीय अध्याय में वो तपस्या करने जा रहा है, तो आज हम यही विराम करते हैं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो यदि मेरी कोई त्रुटि हो तो आप मेरे को बालक समझकर क्षमा कर दें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम।